हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइज अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी, आई होप यू वेल हेल्दी। जैसे कि आपको पता, हम करें सी टेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन पेपर वन की, है ना। उसमें हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं अपना एनवायरमेंटल सेक्शन, पर्यावरण अध्ययन। इसमें भी हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे अपनी एनसीईआरटी, ठीक है, जो कंप्लीट होने वाली है हमारी। उसके बाद इसका पेडागोजिकल सेक्शन करेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहली बात, जितनी भी आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, जो आपकी काम आएगी, उसमें कौन कौन सी, मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया, पेपर वन के लिए, पेपर टू में तो आपका सोशल स्टडी पोर्शन हो गया, है ना। उसकी मैंने बाकी सबकी मैंने सिक्स टू थर्ड टू एट तक मैंने सारी की सारी मैंने डाल दी, जो भी आपको यूजफुल होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितना आता है। आज चलते हैं क्लास फिफ्थ पे, क्योंकि क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी है, जाइए आराम से, ठीक है, उनको देखिए, ठीक है। आज करेंगे हम क्लास फिफ्थ की फर्स्ट टू लेके एट चैप्टर तक करेंगे। कौन कौन से हैं, सुपर सेंसेस है, अ स्नेक चार्मर स्टोरी है, ठीक है, फ्रॉम टास्किंग टू डाइजेशन। उसके बाद मैंगोज अराउंड द ईयर, सीड एंड सीड, एवरी ड्रॉप काउंट, एक्सपेरिमेंट विद वाटर और अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। ये चैप्टर्स हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। हिंदी में अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को, दूसरा, ठीक है, कहानी सपेरों की, थर्ड, चखने से पचने तक, फोर्थ, खाए आम बारह महीने, फिफ्थ, बीज बीज बीज, सिक्स्थ, बूंद बूंद दरिया दरिया, सेवन्थ, पानी के प्रयोग, मच्छरों की दावत। ये हम बार बार क्यों बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि कई बार क्या होता है, चैप्टर का नेम हिंदी में कुछ और होता है और इंग्लिश में कुछ और होता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुपर सेंसेस, इसका हिंदी में चैप्टर का नाम क्या है, कैसे पहचाना, ठीक है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। देखिए, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में, लेकिन ये क्लास फिफ्थ है तो उसमें अलग से देख लेते हैं। देखिए क्या बताया, कि जब चींटियाँ चलती हैं तो वे जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, अन्य चींटियाँ, ठीक है, रास्ता ढूंढने के लिए उस गंध का अनुसरण करती हैं। जैसे ये चल रही है, अब आप क्या करेंगे, अगर इस पे अगर बीच में, ठीक है, यहाँ पर उंगली मार देंगे, थोड़ी देर के लिए रखो, तो आपकी जो स्किन की जो उंगली है उसकी स्मेल रह जाएगी, तो वो रास्ता भटक जाएंगे। कभी करके देख लेना, ठीक है, मेरा किया हुआ है तो मेरा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, हाँ, करके देखना, पता पड़ जाएगा आपको। नेक्स्ट, सिल्क वॉर्म के बारे में क्या बता रखा है, कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी अपनी मादा कीड़े को ढूंढ लेता है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं हाँ तुम यही थे ना, मुझे पता था तुम यही होगे, ठीक। उसके बाद देखिए, मच्छर आपके शरीर की गंध से आपको पहचान सकते हैं, सबको पता ही बात, ठीक है। वे आपके पैरों के तलवों की गंध, और जो हमारे पैरों में से स्मेल आती है, ठीक है, और हमारे शरीर की गर्मी, दोनों से ये पता लगाते थे कि आप हो कहाँ पर। इसलिए जहाँ जब भी आप कहीं बैठते हो तुरंत मच्छर वहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं, है ना, और गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है, आप सबको पता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो मलेरिया होता है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है, जब सबको पता है वैसे, बताइए फिर भी नहीं बताइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखिए ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि किसकी गंध से, क्या है, कैसे है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कि कुत्ते सड़क पर अपना क्षेत्र चिन्हित कर लेते हैं, कि किस एरिया में कौन कौन कुत्ता रहेगा, ठीक है, अपने सड़क पर अपना क्षेत्र चिन्हित कर लेते हैं। वे अपने मूत्र और मल की गंध से यह पता लगा सकते हैं कि कोई दूसरा कुत्ता उनके क्षेत्र में आया है या नहीं आया है, ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, बाज, चील और गिद्ध, ठीक, काइट्स, ईगल एंड वल्चर, ये क्या है? ये कुछ पक्षी ऐसे हैं जो हमसे 4 गुना दूरी से देख सकते हैं, बहुत दूर से देख सकते हैं, बहुत शार्प जो आईसाइट होती है इनकी। ठीक, जैसे वे पक्षी 8 मीटर दूरी से वही चीजें देख सकते हैं जो हम 2 मीटर से देख सकते हैं। भाई 2 चौक 8, सिंपल सी बात हो गया, तो 8 4 गुना हो गया, है ना, वही वाली बात हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कौन कौन, बाज, चील, गिद्ध। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं, ठीक है, वे कुछ रंग देख पाते हैं, और जो रात में जागते हैं वे केवल ब्लैक एंड व्हाइट देख पाते हैं, लाइक उल्लू। ठीक है, समझ में आया? ब्लैक एंड व्हाइट, और चमगादड़ को भी ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए चमगादड़ आए तो आप बता सकते हैं। अब देखिए क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, द रेटिना इज लाइंड विद द टू टाइप ऑफ लाइट डिटेक्शन। ठीक है, अब जो रेटिना है वो क्या है, टू टाइप ऑफ लाइट डिटेक्शन होता है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे लाइट गई, ठीक है, लाइट गई, और आपका ये रेटिना है, ये आपका रेटिना है, ये वाला ये रेटिना है ना। अब इसमें क्या होगा, और ये कॉर्निया है आइज का। टू टाइप ऑफ लाइट डिटेक्शन होता है, एक तो होता है कलर सेंसिटिव कोन्स और दूसरा होता है ठीक है सॉरी ठीक है देखिए, एक तो द रेटिना इज लाइंड विद द टू टाइप ऑफ लाइट डिटेक्शन सेल्स, ठीक है, कलर सेंसिटिव कॉन्स विच नीड अ लॉट ऑफ लाइट फंक्शन एंड रोड्स, ठीक है, विच कैन हैंडल इन द लो लाइट बट डिटेक्ट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। सिंपल सी बात है, जैसे जो नाइट में जागते हैं तो उनको क्या दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि उनको ज़्यादा रोशनी की जरूरत नहीं होती है ना। तो रॉड्स जो होती हैं, ठीक है, ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए काम आती है, और जो कोन्स होती हैं वो कलरफुल देखने के काम आती हैं। यहाँ पर बहुत कम लाइट की जरूरत होती है और यहाँ पर बहुत अधिक लाइट की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पर आ गया ना, जो रॉड्स हो गया, विच है कैन हैंडल लो लाइट लेवल्स बट डिटेक्ट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्लेन एनसीईआरटी में नहीं किया लेकिन मैंने आपको अलग से बता दिया, ये ध्यान रखना। ये कॉर्निया होता है, ये लाइट है, ये प्यूपिल है, ठीक है, आयरिस ये वाला है, और ये लेंस है। अब क्या होता है, जैसे बहुत लोगों की आईसाइट कमज़ोर हो जाती है तो वो क्या कहते हैं कि हमने लेज़र कराया, तो लेज़र में क्या होता है, आपके लेंस को थोड़ा सा घिस दिया जाता है इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट है, लंगूर एक विशेष, ठीक है, चेतावनी ध्वनि निकाल कर दूसरों को बाघों और तेंदुओं जैसे खतरों से आगाह करता है, आगाह करता, ध्यान रखना। ठीक है, जो लंगूर है वो क्या करता है, दूसरे जानवर को तेंदुओं, तेंदुए या बाघ या किसी भी खतरे वाली चीजों से बचाने के लिए आगाह करता है। नेक्स्ट है, ठीक है, फिश गिव्स अलार्म कॉल टू अदर फिशेस बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। वो क्या करता है, दूसरों को, ठीक है, संकेत देने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है। ठीक, नेक्स्ट की हम बात करें तो यह, डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू इच अदर। क्या होता है कि वो डिफरेंट साउंड, डॉल्फिन जो है वो डिफरेंट साउंड क्रिएट करती है ताकि एक दूसरे के पास मैसेज जाए। टाइगर के बारे में एक पूरा पेज दे रखा है एनसीईआरटी में, जो मेन मेन बात किया है कि एक बाघ रात में, ठीक है, हम में से अधिकांश लोगों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है, हम में से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं और हवा में होने वाली हलचल और कंपन को महसूस कर सकती है, मतलब बताते हैं, ठीक है, मूंछें बाघ को अंधेरे में चलने और शिकार ढूंढने में मदद करती हैं। पहली बात, मूंछें बाघ को अंधेरे में चलने और शिकार ढूंढने में मदद करती हैं। दूसरी बात क्या है, प्रत्येक बाघ का अपना क्षेत्र होता है और वह कई किलोमीटर तक फैला होता है। बाघ अपने मूत्र से उन्हें चिन्हित करते हैं।
ठीक है, जहाँ वो यूरिन पास करते हैं उससे बताते हैं कि हाँ ये बाउंड्री मेरी है भाई, इसमें कोई और नहीं आएगा। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास में चलने वाले जानवरों की आवाज में भी अंतर कर सकती है। कि पत्ता अगर हिल रहा है तो उसको पता पड़ेगा, और कोई आदमी या कोई जानवर चल रहा है तो भी उसको पता पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इतनी तेज। ठीक है, बाघ के कान अलग अलग दिशा में घूमते हैं और चारों ओर की आवाजों को पकड़ने में मदद करते हैं। मतलब वो एक ही टाइम पे दोनों कानों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकता है, ध्यान रखना, एक ही टाइम में वो दोनों कानों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा के, ठीक है, साउंड सुन सकता है, उसी हिसाब से लोकेट कर सकता है उसको। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, बाघ अपने अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज निकालता है, जैसे जब वह गुस्से में होता है या बाघिन को बुलाना हो। ठीक है, उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। मतलब देखिए, चिल्लाने में भी दहाड़ में भी जैसे होता है, अगर आप किसी से बात करें, पोलाइटली बात करें, तो आपकी आवाज़ कुछ और होगी, है ना, और किसी को गुस्से से बात करते हो तो उसकी आवाज़ अलग होगी। उसी तरीके से बाघ जो ठीक है अपने फीमेल पार्टनर को बुलाने की कोशिश करता है तो उसके लिए आवाज़ कुछ और निकालता है, और जब वो एग्रेसिव होके एक शिकार करना चाहता है तो उसके लिए कुछ और आवाज़ निकालता है। उसकी जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। 3 किलोमीटर, समझ रहे हो आप? आपके घर से सोचिए 3 किलोमीटर कहाँ पर होगा, है ना, वहाँ से वहाँ तक आवाज़ आ सकती है। दूसरी बात ये भी, क्योंकि जंगल एक शांत एरिया होता है, ठीक है, उतनी हलचल नहीं होती है, तो वहाँ पर और ज़्यादा दूर तक आवाज़ जा सकती है, ये भी कह सकते हैं, है ना। कुछ जानवर निश्चित मौसम में लंबी और गहरी नींद में सो जाते हैं। देखिए, जिसको क्या बोलते हैं, देखिए जैसे छिपकली होती है, आपने देखा होगा, आपने कभी गर्मियों में छिपकली देखी हो तो? नहीं देखी होगी, ठीक है, गर्मियों में मतलब बोल रहा हूँ, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हर कोई, जैसे मच्छर है वो सर्दियों में नहीं दिखता होगा आपको उतना, तो ये क्या, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? हाइबरनेशन में चले जाते हैं ये लोग। स्लॉथ, स्लॉथ के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक भालू जैसा, देखो ये जो है ये स्लॉथ है, बहुत HD इमेज दिया आपको, बहुत HD, है ना, हाँ, ताकि अलग से दिखे। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ठीक है। यह पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर दिन में 17 घंटे सोता है, बहुत लेजी होता है, बहुत ज्यादा लेजी, ठीक है। स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और उसी पर रहता है, शायद ही वो किसी और चीज की जरूरत होती है उसको। जब वह उस पेड़ के पर्याप्त पत्तियां खा लेता है तो उस पेड़ से दूसरे पेड़ पर चला जाता है, ठीक है। स्लॉथ लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कितने वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक है, और इस दौरान केवल 7 से 8 पेड़ों तक ही वो खा पाता है, ठीक है। सप्ताह में एक बार सोच के लिए नीचे निकल उतरता है, और ध्यान रखना जैसे वो नीचे उतरता है तो वही एक चांस होता है कि जब उसको लोग, मतलब कोई भी जानवर, बाघ वगैरह कुछ भी, उसको खा लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, हाथियों की हत्या उनके दांतों के लिए की जाती है। देखिए कितने लंबे हाथ के दांत हैं, ठीक है, दांत इतने लंबे, लेकिन इनका यूज किस चीज के लिए किया जाता है? चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता है, और बहुत से लोग अपने कोई स्कल्पचर बनाते हैं, कुछ भी चीज बनाते हैं, उनके लिए इनका यूज किया जाता है। इस बहुत तस्करी होती है। अब तस्करी क्या होती है, आप मुझे बताइए। तस्करी मैं बता देता हूँ, जो भी चीज बैन है, ठीक है, सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी हुई है, लेकिन उसका बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, यूज किया जा रहा है और बहुत ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, तो उसको तस्करी बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक। जो गेंडे के जो ये दोनों सींग हैं, इनका यूज किया जाता है, औषधि के रूप में भी किया जाता है, और चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, सींगों के लिए होता है, इनकी हत्या सींगों के लिए होती है। अब देखिए, बाघ, मगरमच्छ और सांपों की हत्या उनके खाल के लिए होती है, ये ओरिजिनल है बालको, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, आप ये मत सोचिएगा कि ये मैंने वैसे लगाया, बहुत छानबीन करके गूगल पे से, ठीक है, तब ये मैंने निकाले हैं। और ये क्या है, ये पकड़े गए हैं, तीनों चीज जब पकड़े गए हैं तब इनकी फोटोज खींची गई हैं। ये कौन है, ठीक है, ये पाइथन है, ये आपका टाइगर है, ये मगरमच्छ है। अपने बहुत
सुना होगा गांव में तो बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, आपने खूब सुना होगा कस्तूरी के, इसके पेट में तो कस्तूरी है। कस्तूरी क्या होता है? जो ये वाला हिरण होता है, मस्क डियर बोलते हैं इसको, कस्तूरी मृग, क्या उसकी कस्तूरी सुगंध इत्र में यूज होती है, इसको जो परफ्यूम होता है उसमें यूज किया जाता है, और ये इसके टूंडी की साइड में होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है, और ये चारों तरफ घूमता रहता है कि कहाँ है कहाँ कहाँ है, उसकी सुगंध सूंघते ही ये चारों तरफ घूमता रहता है, तो इसलिए बोलते हैं कि अरे इसके पेट में कस्तूरी, जो कि बाहर की तरफ ही होती है। देखो आप इसके बाल देख सकते हैं, तो जिनको पता है कि कस्तूरी कहाँ होती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं बताया मैं बता देता हूँ, जहाँ पर टूंडी होती है वहीं के आसपास होती है ये, ठीक है, और बहुत महंगी बिकती है, बहुत महंगी। और चैप्टर है स्नेक चार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार बनते हैं, ठीक है। देखिए सपेरों को कालबिलिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जो सपेरे होते हैं उनको कालबिलिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इनके नृत्य को कालबिलिया डांस भी बोलते हैं, दोनों बातें ध्यान रखना, सपेरों को कालबेलिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इनका जो डांस है, डांस फॉर्म स्नेक वाली होती है, ठीक है, जिस जिस सांप नाचता है ना फन पे, कुछ इस टाइप की होती है, तो उसको कालबेलिया डांस बोलते हैं, ठीक, क्योंकि कालबेलिया सिर्फ एक नृत्य नहीं है, डांस फॉर्म ही नहीं है, उन लोगों को भी कालबेलिया बोलते हैं। देखो नाग गुफन एक डिजाइन है, ये वाला, ठीक है, नागगुम्फन एक डिजाइन है, और इसका प्रयोग रंगोली, कढ़ाई और साथ ही, ठीक है, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में सजावट के लिए किया जाता है, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस टाइप का, ये मैंने अलग से दिया है आपको, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, नागगुम्फन, अगर आपसे पूछा जाए नागगुम्फन क्या है, तो ये एक डिजाइन है जो रंगोली, कढ़ाई, ठीक है, और कपड़ों वगैरह पे भी यूज किया जाता है ये। दूसरी बात, कहाँ कहाँ पर, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत की में इसको सजावट के रूप में यूज किया जाता है। बहुत से लोग नागपंचमी में भी कुछ इसी टाइप का डिजाइन बनाते हैं, अगर आपको पता हो तो, नागपंचमी में जो लोग मनाते हैं वो लोग कुछ इस टाइप का ही, ठीक है, रंगोली तैयार करते हैं। स्नेक हैज टू होलो टीथ कॉल्ड फंग्स, ठीक है, इनको फैंग्स बोलते हैं, तो फैंग्स क्या होता है, सांप के दो खोखले दांत होते हैं जिन्हें नुकीले दांत कहते हैं, ये फैंग्स होते हैं, ये देखो, ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, इसमें से इस टाइप की एक बोतल टाइप में आके ये रबड़ से खींच के इसमें डाल देते हैं, ताकि पूरा अपना रस जो है, रस बोल रहा हूँ, जहर, सॉरी, ठीक है, जो पूरा का पूरा जहर है वो इसमें छोड़ देता है, ठीक। उसके बाद बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इनकी पार्टियों में यूज किए जाते हैं, कौन कौन सा, बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पार्टी में यूज किए जाते हैं, ढोल, तो एक्सेप्ट ढोल, ढोल के अलावा बीन, तुम्बा और खजरी, ये लौकी से, सूखी हुई लौकी से बनाए जाते हैं। देखिए ये मैंने जो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने आपको इमेज दे दिए, लेकिन ये अलग अलग टाइप से बनी हुई होती है, उसी टाइप से ये बीन बनाते हैं, ठीक है, तुम्बा भी बनाते हैं, खंजरी भी बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूखी हुई लौकी से क्या क्या चीज बनाई जाती है, बीन, तुम्बा, खंजरी, ठीक, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये संगीत वाद्य हैं जो जिनका प्रयोग बीन पार्टी में किया जाता है, ठीक है, ढोल को छोड़कर बाकी तीन वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चलते हैं आगे, देखिए आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें बताया है कि भारत में जो जहरीले सांप, उनमें बताया है उसमें कौन कौन सा है, कोबरा है, कॉमन क्रेट है, दुबोई है और अफाई है, ये आपके हिंदी मीडियम में बता रहा है, ठीक है, बाकी कोबरा और कॉमन क्रेट तो इंग्लिश मीडियम में वही है, लेकिन रसेल फाइबर दुबोई को बोलते हैं और सौ स्केल्ड वाइपर अफाई को बोलते हैं, ठीक, इनके बारे में बताया कि इनके अंदर सबसे ज्यादा जहर होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मात्र 3 से 4% ही जो स्नेक हैं जिनके अंदर जहर पाया जाता है, एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात है, सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई सीरम, ठीक
ठीक है। सीरम क्या है? तो क्या है, सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई। ये क्वेश्चन आया है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सांप के जहर को खत्म करने वाली, तो आपसे पूछा जाएगा सीरम क्या है, तो सीरम है सांप के जहर को खत्म करने वाली दवाई। और वो किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त मिलती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें गोमती के बारे में बताया है। गोमती क्या है, इसके बारे में कह सकते हैं कि देखिए बहुत गरीब है, ठीक है, हमेशा इसको काम नहीं मिलता है, तो बहुत मुश्किल से कभी जड़ कुछ मतलब पत्तियां जड़े खा के ही अपना काम चलाती है उस टाइम पे। जबकि दूसरी जगह पर गोदामों पे जो अनाज है वो कई बार सड़ जाता है, बड़ा बड़ा सड़ जाता है, लेकिन इन लोगों को नहीं दिया जाता। इसी के बारे में थोड़ा सा बुक में डिस्कस किया गया है, जो आप ठीक है ये मैंने बता दिया है कि क्या चीज़ है, बाकी इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कालाहांडी जिला कहाँ पर है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कालाहांडी जिला कहाँ पर है? उड़ीसा में, ध्यान रखिएगा। कालाहांडी जिला कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये टेस्ट के बारे में बताया गया है आपका, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। जो कड़वा है, जो तीखा है, वो कहाँ पर लगेगा? पीछे लगेगा। जो खट्टा है वो साइड में लगेगा। जो साल्टी नमकीन है वो इस साइड में लगेगा, और स्वीट है वो आगे लगेगा। ठीक है, आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात यह है कि जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो खासकर मैंने लोग देखे हैं वो एकदम पीछे, एकदम पीछे, ठीक है, जीभ के एकदम पीछे ले जाएंगे, तभी वो आपको बहुत ज्यादा कड़वी लगती है। ठीक है, तभी आपको मेडिसिन कड़वी लगती है। और आपको मेडिसिन लेनी है तो आप यहाँ पर रखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर रखिए और पानी का घूंट लीजिए, दवा अंदर, कड़वाहट पता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहली बात तो यही दुआ करूंगा कि आपको लेने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर ऐसा ठीक है मौका आए, बीच में रखिए, गप कीजिए, पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ पानी ठीक ठाक अमाउंट में डालिएगा, कभी पता पड़े कि दवा चिपक गई जीभ पे ही। ठीक, अब ये है, देखिए दो तरीके से हम डाइजेशन की यहाँ बात बात करेंगे, एक तो स्टमक में, दूसरी बात अगर एक गिलास लेंगे जिसके अंदर हम डाइजेस्टिव जूस रखेंगे, अब उसमें अगर हम अनबॉइल्ड मिल्क जो कच्चा दूध है उसको रखेंगे, तो उसको डाइजेशन होने में कितना टाइम लेगा? 2 घंटे 15 मिनट, और इसमें 4 घंटे 45 मिनट। बॉइल्ड मिल्क होगा तो 2 घंटे, इसमें 4 घंटे 15 मिनट। फुल बॉइल्ड एग, ठीक है, पूरी तरह से बॉइल्ड एग होगा तो इसको 3 घंटे 30 मिनट लगेंगे, और इसको 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, ग्लास में जो है हाफ बॉइल्ड एग है तो 3 घंटे, और यहाँ पर 6 घंटे 30 मिनट। रो एग है जो बीटन फेटा हुआ है, उसको 2 घंटे लगेंगे, उसमें 4 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर रो एग सिंपल फोड़ा और पेट में, उसको 1.5 घंटे लगेंगे, और इसमें क्या होगा, इसमें लगेंगे 4 घंटे। ये मैंने क्यों बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की पूरी टेबल मैंने ऐसे ही रख दी है, ताकि अगर गलती से यहाँ से पूछ लिया जाए तो आप ये ना कहें कि आउट ऑफ सिलेबस आया है। ठीक है, अब चैप्टर पे चलते हैं, मामड़ी तांडा वाले पे। ठीक है, खाओ खाया 12 महीने। अब ये कैसे है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पता नहीं कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, कि आंध्र प्रदेश, देखिए पूछा जाएगा कि मामड़ी तांडा क्या है, तो इसको आम पापड़ को बोलते हैं। पहले क्वेश्चन ये है, जो मामड़ी तांडा है, आम पापड़ को मामड़ी तांडा कहाँ पर बोला जाता है? ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कहाँ पर बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, कांच के जार और सिरेमिक जार, इसको कैसे बोलते हैं? ये सिरेमिक जार है, ठीक, इसको ठीक है अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ताकि उसके अंदर क्या है, जर्म्स ना लगे, ठीक है, जर्म्स एंटर ना हो। और बोला जाता है ना, जो अचार आप लेते हो, कहते हो पहले हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, स्पून से, या फिर उसके अंदर ही जो चम्मच रखी होती है, चमचा जो भी डला हुआ होता है उससे निकालिए, चिमटे से निकालिए, हाँ बहुत साफ सफाई का, अचार में बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, खाद्य पदार्थ और उनके संरक्षण की विधि, ठीक, जो कुक्ड राइस होता है, जो बॉयल्ड राइस होता है, जो बना हुआ होता है, वो क्या करते हैं, पुट इन ए बोल एंड कीप द बोल इन ए कंटेनर विद सम वाटर। एक कंटेनर है, उसमें थोड़ा सा पानी लेके
ठीक है, और चावलों को एक बाउल में रख के उसमें रख दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। दूसरा है ग्रीन कोरिएंडर, जो हरा धनिया है उसको क्या किया जाता है, एक डैम क्लोथ में उसको रैप कर दिया जाता है, थोड़ा गीला सा हो कपड़ा तो उसमें रख दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट है अनियन गार्लिक, इसको क्या जाता है, इसको ड्राई प्लेस में रखा जाता है, कभी इसको फ्रिज में नहीं रखा जाता है, आपने देखा होगा ठीक है, फ्रिज में नहीं रखा जाता है। और दूध को बॉईल किया जाता है, सॉरी ये मैं भूल गया, देखना मिल्क को बॉईल करके, मैं तभी कह रहा हूँ चौथा कहाँ पर है, हाँ मिल्क को बॉईल किया जाता है ना, चारों हो गए। नेक्स्ट सीड, सीड क्या बोलते हैं उसको, बीज, बीज, बीज। अब देखिए यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर तीन बार है ना। देर आर सम ठीक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है कौन कौन से हैं, जैसे वीनस है ठीक है, ब्लेडरवोर्ट है, कोबरा लिली है, लेकिन आपके यहाँ पर किसको बताया, पिचर प्लांट के बारे में बात की गई है ठीक है। कुछ कीट भक्षी पौधों के उदाहरण के में वीनस ठीक है, फ्लाई ट्रैप है, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया ठीक है, ब्लेडरवोर्ट हो गया, कोबरा लिली हो गया ठीक है, ट्रोसरा हो गया, संड्यूस हो गया, लेकिन पिचर प्लांट के बारे में आपके में ज़्यादा बात की गई। पिचर प्लांट, ये है पिचर प्लांट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मेंढ को, कीड़ों और चूहों को भी ठीक है अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। पिचर प्लांट को निपेंथिस बोला जाता है, भारत निपेंथिस ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, भारत के मेघालय में। तो पिचर प्लांट को क्या बोलते हैं, निपेंथिस बोलते हैं, एक बात ध्यान रखना ये ठीक है। अब देखिए ये इसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है, ये ऊपर लीव लगी हुई है और ये रहा पिचर प्लांट का आकार ठीक है, घड़े जैसा होता है और इसके मुंह गड्ढे के जाल के रूप में ठीक है। सरसों, देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होगी वरना। ये देखो पिचर प्लांट हैज ए पिचर शेप ठीक है, पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड विद ए मॉडिफाइड लिव्स, क्या है मॉडिफाइड लीव्स होगी, एज पिटफॉल ट्रैप ठीक है, दैट हैव ए ठीक है सुग्री नेक्टर, इसके अंदर क्या है सुग्री नेक्टर होता है विथ स्लिपरी सरफेस और डाइजेस्टिव, इसके अंदर स्लिपरी सरफेस होती है और उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है। द प्लांट हैज स्पेशल स्पेल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इस ये एक अजीब तरह की जो स्पेशल है वो गंध छोड़ता है नेक्टर के थ्रू, उससे क्या होता है इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जब इसमें घुस जाते हैं तो ऊपर से अपना ढक्कन बंद कर लेता है और मामला साफ एकदम क्लियर ठीक है। जॉर्ज मैस्टरल के बारे में आपने सुना होगा, जॉर्ज मैस्टरल जो थे, मैस्टरल ने 1948 में ठीक है वेल को बनाने का विचार किया, 1948 में 1948, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेल को जो इन्वेंशन है वो कब हुआ, 1948 में, और किसके थ्रू हुआ, जॉर्ज मैस्टरल के थ्रू हुआ ठीक। उन्होंने ऐसे ही छोटे छोटे कांटों से ठीक है एक ऐसी सामग्री बनाई जो चिपक जाती है, ये बनाया था ना एक इस टाइप से। वेल्को का उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है, कपड़े जूते बैग वगैरह में किया जाता है। इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने देखा कि जब ये घूम कर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि इनकी जो कुत्ता है उसके बालों में कुछ फंसा हुआ है काफी, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो देखा उसमें कुछ हुक बने हुए हैं ठीक है, कुछ हुक बने हुए हैं जिससे वो बालों में चिपक गया। तो इन्होंने क्या किया, ये कुछ हुक टाइप का बनाया ताकि वो चिपक जाए, ताकि वो चिपक जाए, सिंपल सा है। तो इन्होंने वेल्को का इन्वेंशन किया। अब ये कविता तो पढ़ने वाली है, क्या करें ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी सुनिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी सुनिएगा। और एक बात बता दूं कि इंग्लिश मीडियम में कुछ चीज़ें इसमें से गायब कर दी हैं, कुछ चीज़ें गायब कर दी हैं जो कि हम नहीं करेंगे। देखिए क्या है, अपने सबने सुना होगा कितनी बार ठीक है, फिर भी जिन्हों जो नए हैं वो एक बार सुन लीजिए, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आई जी, यहाँ पर ये किसने लिखी है, राजेश उत्साही ने लिखी है, राजेश उत्साही ने लिखी है। आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंगल
जंग लड़ाई मार्स है, ठीक है, इस रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय, क्या है? दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। तो ये कहाँ, दक्षिण अमेरिका से कौन कौन आया है? मिर्च आई है, मूंगफली आई है, आलू अमरूद आया है, ठीक है, कहाँ से आया? दक्षिण अमेरिकी से आया। सात टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी, ठीक। भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफी भी, तो अफ्रीका की क्या है? भिंडी भी है और कॉफी भी है, और टमाटर भी वहीं का है, ध्यान रखना। नक्शे में यूरोप की धर जहां से आए गोभी और मटर, यूरोप। चाय असम की बाय जी आलू मिर्ची चाय। चली चीन से सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ की है? चीन की है, लेकिन चाय चीन की नहीं है। चली चीन से सोयाबीन, ठीक है, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, ठीक है, उसमें है गुण कई विशेष। तो सोयाबीन पहले अमेरिका से घूमते हुए इंडिया में आई थी, ठीक। रोप जमा कर आया जी आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूल, ठीक है, बैगन मूली सेम करेला आम संतरा से बेर और केला पालक मूली परवल टिंडा मेथी और भाई बहन ये सब है देसी, ठीक है। भारत की पैदाइश जी कौन कहाँ से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। ये 2002 में चकमक जो, ठीक है, जो आपकी मैगजीन आती है उसमें लिखा गया, मई जून वाली। अब इसको थोड़ा सा, ये तो हमने देख लिया, जिनको पोएम पसंद नहीं आई वो इधर देख लें डिटेल में। देखिए जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है? टमाटर आया है, आलू आया है, मिर्च हरी मिर्च आई है, ठीक है, मूंगफली आया है और अमरूद आया है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, काम आएगा। दक्षिण अमेरिका से क्या आया है? कॉफ़ी और हरी भिंडी, ठीक है, भिंडी तो हरी होती है, ठीक। दूसरी बात, यूरोप से गोभी और मटर आए हैं, असम से चाय आई है और चीन से सोयाबीन आई है, और देसी कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बैगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला पालक परवल टिंडा मेथी, ये सब क्या है? ये सब देसी हैं। अब चैप्टर पर आते हैं, बूंद बूंद दरिया दरिया, ठीक है। इसमें घड़शीसर जैसलमेर के बारे में बताया, घड़शीसर जैसलमेर की कृत्रिम झील है, ये कृत्रिम झील है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों की मदद के लिए 650 साल पहले बनाया था, तो ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, पहले बनाया था। सर का मतलब होता झील और घड़सी राजा का नाम है, तो इसलिए घड़सी सर नाम रख दिया। घड़सी सर का निर्माण इस प्रकार किया गया कि जब एक झील भर जाती है तो अतिरिक्त पानी निचले स्तर पर, ठीक है, दूसरी झील में चला जाता है और इस, ठीक है, वह भी भर जाती है, इसके अतिरिक्त पानी अगली झील में चला जाता है। इस प्रकार सभी 9 झीलें हैं इसमें, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। सपोज कीजिए ये झील है, मान के चलिए, ठीक है, मानने में क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, बारिश का पानी यहां पर आया, कुछ भी मान लीजिए, इसको टैंक मान लीजिए, इसको झील मत मानिए, ठीक है, टैंक मान लीजिए। तो पहले क्या होगा, जब ये यहां से भरता आएगा तो ये पहले यहां से पूरा भर जाएगा, है ना, जब ये पूरा भर जाएगा उसके बाद क्या आएगा, यहां पर आएगा, ये पूरा भर जाएगा यहां पर आएगा, ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, ये सब पूरे भर जाएंगे। तो पहले क्या होगा, ये यहां पर जाएगा, है ना, तो उसके बाद यहां से, तो पानी तो पूरा भरा पड़ा है, लेकिन अब निकाला कहाँ से जाएगा, यहाँ से अगर निकाला जाए तो पहले ये पूरा यहाँ तक होगा, फिर इसमें से पानी भरता हुआ, ये यहाँ पर होगा, फिर एकदम नीचे होगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 तालाब कैसे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो पानी पूरा पूरा भरा पड़ा रहता है, कोई दिक्कत? अब क्या है, अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अलबरूनी क्या था, एक यात्री था जो कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, अब सबको पता है, ठीक है।
अलबरूनी जो यात्री था वो कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है। उसने भारत के बारे में काफी यात्रा की, सब कुछ समझा और अपनी किताब में लिखा, जो कि वहां पर जाके उज्बेकिस्तान में फिर बताया कि वहां पर लोग कैसे करते हैं। क्या उन्होंने झील के चारों ओर, ठीक है, उन्होंने झील के चारों ओर तालाब बनाने, विशाल चट्टानों के ढेर बनाने और लोहे की छड़ की चबूतरे से जोड़ने वाले लोगों का कौशल का उल्लेख किया। उन्होंने बताया है अपने किताब में, ठीक है, कि भारत में कैसे लोग तालाब बनाते हैं, ठीक है, उनका चट्टानों कैसे यूज करते हैं, कैसे अपना चबूतरा बनाते हैं, ये सब के बारे में उल्लेख किया है। अब देखिए, चबूतरों के बीच ऊपर नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ अलग अलग होना। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर कोई पानी लेने आया, ये तो फिर भी मैंने बहुत क्लीन दिखाया है आपको, ठीक है, बहुत क्लीन दिखाया है, वरना काफ़ी अब तो बहुत हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पर क्या है कि ऐसे नीचे उतरो, ठीक है, नीचे उतरने के बाद पानी भरो और उसके बाद दूसरी सीढ़ी से अलग हो जाओ ताकि भीड़ ना हो, ठीक है, चबूतरों से नीचे उतरने के लिए। और दूसरी बात, जब पानी भरा जाएगा ऊपर और ऊपर आएगा तो पानी कम होता जाए कम होता जाए, तो सीढ़ियाँ भी नीचे की तरफ, ताकि आप पानी ले सको, ऊपर तक भरा जा सके। भीड़ कम करने के लिए नीचे जाने और ऊपर आने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। देखिए सीढ़िया ही सीढ़िया है ना, नीचे उतरो और पानी लेके ऊपर पहुंचो, ठीक, क्योंकि एक टाइम पे ये पूरा शहर को पानी पिलाता था, ये झील घर सी सर पूरे शहर को पानी पिलाती थी। लोग कुएं से पानी ऊपर खींचने के बजाय सीढ़ियों के नीचे उतरकर, ठीक है, पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे बावड़ी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेप वेल, बावड़ी बोलते हैं। तरुण भारत संघ का ये लोगो है। तरुण भारत संघ ने क्या किया है का संबंध पुरानी झीलों और झोड़ों को पुनर्निर्माण और नए निर्माण से है। तरुण भारत संघ का जो संबंध है वो क्या है, उन्होंने पुरानी से पुरानी झील को साफ करने और उसका पुनर्निर्माण करने में बहुत योगदान दिया। दूसरी बात, नई झीलें बनाने के में भी बहुत योगदान दिया, क्योंकि पानी की कमी आपको भी पता है, आपके पास पानी मुहैया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी से जूझ रहे हैं, ठीक। डेड सी के बारे में आपने सुना होगा, डेड सी, ठीक है, क्या है, सबसे खारा होता है, मृत सागर सबसे अधिक नमकीन, वहां इतना नमकीन है कि व्यक्ति अगर जो तैरना नहीं जानता वो भी डूबेगा नहीं, ठीक है। डेड सी में कोई पानी, कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, बात ध्यान रखना। देखिए शक्करपारा आपने जो खाया होगा वो नमकीन भी देखा होगा, कुछ लोग नहीं, सॉरी, उसको नमक पारा बोलते हैं। मेरा दिमाग मुझसे आउट हो गया था। शक्करपारा एक मीठा व्यंजन है और मिश्री जो होती है वो टुकड़ों में, ठीक है, चीनी के टुकड़े होते हैं, लंप होते हैं शुगर का। देखिए बस ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी मिश्री खानी है तो कुछ आजकल कुछ इस टाइप की मिश्री आ रही है मोटे मोटे, इसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्टर्ड शुगर ही है, मतलब सब ये समझ लीजिए चीनी ही है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। कभी भी अगर आपको लेनी है तो धागे वाली मिश्री लेना, ये धागे वाली मिश्री ही है, ठीक है, धागे वाली मिश्री है। अभी ये उतनी ख़राब नहीं है, ठीक है, अगर आपको मिश्री ही यूज़ करनी है तो धागे वाली मिश्री का यूज़ करो, वरना मत करो भाई, गुड़ यूज़ करो। अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, ठीक है, मच्छरों की दावत। इससे क्वेश्चन जो बनता है, बनता ही बनता है, ये क्या है, जो कुनैन है, ठीक है, कुनैन जो है मलेरिया की प्रसिद्ध औषधि है, जो कि सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये सिनकोना पेड़ है, इसकी छाल है, उससे बनाया जाता है सिनकोना मेडिसिन, जो मलेरिया में बहुत काम आती है, ठीक है। अनीमिया इज द लेस हीमोग्लोबिन, जब क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो अनीमिया हो जाता है, ठीक है। और आप अपने आप को बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप एकदम फिट हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी कमी लग रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा लीजिए। कई बार क्या होता है, देखिए मैं खुद अभी कुछ टाइम पहले ही अनीमिया से ग्रसित था। क्या होता है, जब हम ऊपर ध्यान अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगता है। इसलिए
अगर आपको लग रहा है कि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जितनी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए नहीं है, ठीक है, विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी है, तो आप एक बार ज़रूर दिखाइए, ठीक है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहते नहीं है कि जो जिस चीज़ से गुजर चुका होता है उसको पता होता है, तो एनीमिया ना हो या फिर कोई भी बीमारी ना हो, मैं तो कहूँ भगवान आपको स्वस्थ रखे एकदम, लेकिन अगर कोई भी परेशानी है तो प्लीज दिखाइए, लेट मत कीजिए। रोनाल्ड रोज फाउंड आउट द फीमेल मॉस्किटो एंड एनोफ्लीज स्प्रेड द मलेरिया, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है, कि रोनाल्ड रोज ने पाया कि मादा मच्छर एनोफ्लीज मलेरिया फैलाती है, तो आपसे पूछा जाएगा कौन, फीमेल एनोफ्लीज, अगर मेल एनोफ्लीज आएगा तो भी गलत है, फीमेल मच्छर एनोफ्लीज मलेरिया फैलाती है, ध्यान रखना, ठीक है। दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रोस ने उनकी खोज के लिए और 1905 में चिकित्सा के लिए सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसको रोनाल्ड रोस को, इन्होंने क्या किया है, ठीक है, इन्होंने जो एनोफ्लीज है मलेरिया, ठीक है, जो मलेरिया जो बीमारी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है मादा मच्छर एनोफ्लीज, उसके बारे में पता किया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। कब नोबेल प्राइज मिला उनको, 1905 में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किए, चैप्टर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। और देखिए जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी अपनी NCERT, उसके बाद हम एक शॉर्ट, ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो में हम अपना पेडागॉजिकल सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद MCQs करेंगे, ठीक। या फिर आप मुझे बता दीजिए कि पेडागॉजिकल सेक्शन सिर्फ MCQs की फॉर्म में लेके आऊँ तो वो भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताइए तो सही, ठीक है। अगर आपको ठीक लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपना इस बार CTET क्वालिफाई कीजिए हर की।